हेलो दोस्तों, शक्करपारा डिज़ाइन, काजू कतरी डिज़ाइन, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, इन सभी कटिंग का फर्मा कैसे बनाते हैं, चुटकी बजाते बनाना सिखाऊंगा। अगर मेरा वीडियो देख के आपको नहीं आता है तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा दोस्तों, और वो भी फर्मा सिर्फ 1 मिनट के अंदर बनाना सिखाऊंगा। 1 मिनट में आप चुटकी में ये फर्मा बना लोगे मेरा वीडियो देखने के बाद। इतना आसान है, दो तरीके से बनता है, मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल, ये वीडियो पूरा देखें। मैं आपको इसमें मैंने कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए। वेस्ट पट्टी में से पट्टी भी मैंने 1 मेजरमेंट से नहीं कटिंग की है, वेस्ट पट्टी में से चुटकी चुटका में मैं ये सारी डिज़ाइन की कटिंग की है। और मैं आपको ये सारे कटिंग करने के 50 से भी ज़्यादा डिज़ाइन एक ही फर्मे पे बनते हैं। तो वो फर्मा है क्या और कैसे बनता है, कुछ नहीं है दोस्तों। 1 मिनट में बनाना सीखो काजू कतरी डिज़ाइन, शक्करपारा डिज़ाइन, 45 डिग्री और 22.5 डिग्री। लेट्स डू प्रैक्टिकल। हमें सिर्फ ये 45 डिग्री पे फ्लोरिंग करना था, उसके लिए फर्मा बनाया था। तो सोचा चलो आप लोगों को भी कुछ सिखा ही देता हूँ कि फर्मे कैसे बनाते हैं। ये फर्मा बनाना चुटकी बजाने जितना आसान है, लेकिन इसका नॉलेज होना चाहिए, तो आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, बर्फी डिज़ाइन, कोई भी फूल बनाना हो या कोई भी डिज़ाइन बनानी हो, उसका फर्मा कैसे बनता है। ये सारे एक ही फर्मे पर कटिंग होते हैं, सिर्फ इसकी साइज छोटी बड़ी होती है। आपको जिस हिसाब से चाहिए इस हिसाब से इसकी साइज को छोटी बड़ी करना है। मैंने ये कोई मेजरमेंट के बिना ही कटिंग करके सिर्फ आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अब ये डिज़ाइन के चलती ही नहीं है, डिज़ाइन के बंद हो गई है। पहले मार्बल में आती थी, अब मार्बल ही नहीं आता है, मार्बल का काम ही नहीं आता है, हमारा विट्रीफाई का काम है। तो डिज़ाइन ये कैसे बनाते हैं, तो ये 45 डिग्री कैसे कटिंग करते हैं वो मैं आपको सिखा दूँ। ये एक ही फर्मे पे 50 से ज़्यादा डिज़ाइन बनती है एक ही फर्मे पे। तो ये 45 डिग्री पे कटिंग करके इसमें कटिंग के लिए क्या करना है, ये जो पट्टियाँ होती है ये हमारे साइड में जो कटिंग करके वेस्टेज पीस पड़े थे उसमें से मैंने ये डिज़ाइन सिर्फ बना दिए एग्जाम्पल के लिए, स्पेशल नहीं बनाई है। तो इसका जो माप होता है, लंबाई चौड़ाई, वो थोड़ा आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इस तरीके से फूल बन जाता है। इसको एक इधर और एक इधर उल्टा सुलटा काटना होता है। 45 डिग्री का फर्मा कैसे बनाते हैं मैं आपको पहले तो वही सिखाऊंगा। और डिज़ाइन के तो आप इस अपने तरीके से ये पीसों को अलग अलग जैसे हम सेट करते हैं, डिज़ाइन अलग होती है, बीच में ऐसे स्क्वायर लेना हो तो आ जाएगा, यानी जिस तरीके से हम सेटिंग कर देंगे उस तरीके से डिज़ाइन बन जाती है कि बीच में स्क्वायर लेना है क्या लेना है। तो ये डिज़ाइन के तो अपने हिसाब से बनती है। फिर यहाँ पे त्रिकोण आता है, आपको दो त्रिकोण रख दोगे, दो साइड में दो त्रिकोण, तो बीच में 14 डिग्री वाला पट्टा बन जाएगा। तो वो त्रिकोण के लिए आपको 22.5 डिग्री काटना है, वो भी मेरे फर्मे में कट जाएगा। तो एक ही फर्मा है और फर्मा सिर्फ 1 मिनट में बनता है दोस्तों। 1 मिनट से भी कम टाइम में फर्मा बनाना सिखाऊंगा, मेरे जितना आसान फर्मा बनाना आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल के 45 डिग्री और 22.5 डिग्री का फर्मा कैसे बनता है, और एक ही फर्मे में 50 से ज़्यादा डिज़ाइन के बनती है। सिर्फ अपने को ये पीस कटिंग करके सेट करने हैं, और ये तो वेस्टेज में से एक माप भी नहीं है फिर भी ये सेट हो गया। मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, फटाफट से कटिंग कर डाला था, हो गया। तो ये फर्मा बड़ी आसानी से बनता है। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। डिज़ाइन के साली इसी पीस में से बनती है, कटिंग एक ही होता है, सिर्फ इसका मेजरमेंट बड़ा या छोटा होता है। और काजू कतरी डिज़ाइन भी इसमें ही होती है, थोड़ा छोटा कटिंग कर दे, जितना माप यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ ले लेंगे तो ये काजू कतरी डिज़ाइन हो जाती है। यानी इसको सिर्फ यहाँ से कटिंग करना है, देखो तो ये काजू कतरी डिज़ाइन हो गया। फर्मा एक ही है, मैंने बड़ा कटा है, यहाँ से छोटा काट दोगे तो काजू कतरी डिज़ाइन हो जाता है। यानी डिज़ाइन हम जैसे सेट करते हैं वैसी होती है। 22.5 डिग्री में भी आप अलग अलग कलर लोगे, इसमें जितने कलर आपको मिलेंगे, दो तीन कलर इस्तेमाल करते हो, अगर तीन कलर में इस्तेमाल करते हो तो 3D इफ़ेक्ट भी मिलता है। सिर्फ अपने को सेट करना है डगरे कटिंग करके अलग अलग मेजरमेंट से। तो पहले छोटे सैंपल बनाते हैं, बाद में उसको सेट करते हैं, वही डिज़ाइन होती है या मेजरमेंट के हिसाब से बनाने।
हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोग 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कटिंग में बहुत ही परेशान होते हैं, तो उसके कातरे का फर्मा बहुत ही आसान बना रहा हूँ। 45 डिग्री का फर्मा आपको कोई भी डिजाइन बनानी है। ये हमारे ज़माने में जब मार्बल आता था तब डिजाइन ही आती थी, आज के ज़माने में मार्बल नहीं आता तो आज के कारीगर को ये आसानी से नहीं आएगा। तो फर्मा बनाने के लिए करना क्या है, एक यहाँ पे पत्थर ले लिया है मैंने, उसके बाद में ये राइट एंगल पूरी टाइल्स ली है, राइट एंगल, तो इस तरीके से टाइल्स लगा देनी है। फिर यहाँ पे ये छोटी सी पट्टी है, देखो आप, ये कंपनी धार लेनी है तो यहाँ टच कर देना है ऐसे, देखो इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक पट्टी यहाँ से बाहर निकालनी है और राइट एंगल, यानी ऐसा करोगे तो ये क्या होगा, टाइल्स के उस कोने से इस कोने 1 mm का भी फर्क नहीं रहेगा, दोनों कंप्लीट आएगा। ये पट्टी खड़ी कर ली है देखो, तो ये पट्टी खड़ी करके इसका ये कोना पीछे वाला टच हो रहा है देखो, ये तो ये पाटा राइट एंगल, यहाँ ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक मिलाना होता है, इस पॉइंट तक मिलाना होता है, तो उसके लिए क्या किया है, तो इस पॉइंट को मिलाने के लिए क्या किया है, पीछे से ये पट्टी निकाल लिया ये वाली, और उसको ये टच करके खड़ा कर दिया, तो ये पॉइंट मिल गया। वैसे यहाँ पर इसको ये करके हमने पॉइंट मिला लिया है, यानी टाइल्स के वो पॉइंट से वो पॉइंट तक एक ऐसे पाटा लगा दिया। अब पीछे वो टाइल्स है उसे हम चिपका देते हैं, तो इस तरीके से अब उस टाइल्स को हमें चिपका देना है चुटकी में चिपकाने वाली ट्यूब से। तो ये फर्मा हो गया, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे फर्मा बनाने में, आपको एक टाइल्स ही लेना है। ये 45 डिग्री का फर्मा हो गया। अब इसके आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हो, कातरा कटिंग कर सकते हो, वो सब यहाँ कटिंग होता है। तो इतना सिंपल है ये तरीका, मेरे अलावा अगर आपको कोई भी YouTube में सर्च कर लो, अगर दिखाता है तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, तो ये फर्मा बन गया। अब आपको जितना लंबा कटिंग करना है वो पट्टी को चिपकाए रखना है, उसके आगे इस तरीके से पाटा लगा देना, तो आपको लंबी जितनी भी टाइल्स काटनी है ये उसका माप हो गया। सिंपल है, मैं कटिंग करके भी दिखा दूंगा, तो आप देख सकते हो हम ये पट्टी को चिपका रहे हैं, ये कोने से वो कोना फर्मे का माप ये है, उससे राइट एंगल ले लिया, ये टाइल्स मैंने टच किया उसका मतलब कि उसके राइट एंगल है, और उस कोने से इस कोने लूँगा तो ये 45 डिग्री कटिंग का मेजरमेंट हो गया। और चुटकी में चुटकाने वाली ट्यूब से ये पट्टी चिपका ली है, बाद में हम इसको एडेसिल भी लगा देंगे ताकि ये निकल ना जाए, तो फिलहाल हम इसको इस तरीके से चिपका रहे हैं। तो अब ये फर्मे कभी भी फर्मे से पट्टी अलग नहीं करनी है, बस ये जब तक चिपकी रहेगी आगे एक पाटा लगा दो, आपको अगर लंबा कटिंग करना है कुछ है। लेकिन ये तरीका इजी है, दूसरी भी एक रीत है, दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो थोड़ा कठिन है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, कोई भी राइट एंगल यानी काटखूणा भी ले सकते हो या काटखूणा विट्रीफाइड टाइल्स भी ले सकते हो। तो जो पत्थर होता है ये सीधी धार वाला होना चाहिए, फिर यहाँ से 12 इंच है तो वहाँ से 12 इंच लेना है, यानी ये दोनों मेजरमेंट एक होने चाहिए, 10 इंच है तो 10 10, यानी मेजरमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 ले लो, 16 ले लो, 10 ले लो, तो वो दोनों मेजरमेंट यहाँ से सही करने होते हैं तो भी फर्मा बन जाएगा। यहाँ पे कटिंग करोगे तो वो 45 डिग्री कटिंग होगा, लेकिन ये तरीके में क्या होता है, यहाँ से मेजरमेंट में 1 mm का फर्क रह जाता है, बहुत मेहनत होती है। और जो पहले मैंने दिखाया वो चुटकी में 1 मिनट के अंदर बन जाता है, और ये बनाने में 10-15 मिनट लग जाएंगे, फिर भी उसके जितना अच्छा काम नहीं देता है। तो एक ये तरीका है, ऐसे टाइल्स लेके यहाँ से मेजरमेंट कर लो या काटखूणा लगा लो, इसके जगह पे काटखूणा भी रख सकते हो। तो इस तरीके से भी अगर आप दोनों मेजरमेंट ये 10-10 इंच कर लोगे तो बाद में जो भी और बड़ा करना है तो इसके आगे पाटा लगा दो, पाटा लगा के रखाओ ना, पाटा रखो ना। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ बड़ा कटिंग करना है तो इसके आगे पाटा रख के कटिंग कर दो, तो जो भी कटिंग करोगे वो 45 डिग्री कटिंग होगा। आपको वहाँ से पट्टा लगाना होता है उस साइड से, और यहाँ से कटिंग करना है, तो अपने आप कातरा कटिंग हो जाता। दोनों फर्मे में अगर एक ही मेजरमेंट का पट्टा लिया जाता है, जो मार्बल है वो और जो पट्टी चिपकाते हैं ऊपर वो अगर एक ही मेजरमेंट की है तो दोनों साइड से कटिंग होते हैं, यानी डिजाइन में एक साइड से इधर से कटिंग कर लो सारे पीस, दूसरी साइड से कर लो तो अपने आप हो जाता है। वरना पट्टा एक इस साइड से राइट साइड से करना है, दूसरा लेफ्ट साइड से करना होता है।
यानी इसको एक बार इधर से एक बार उधर से, छत्ता और उल्टा, उल्टा और सही वाला, उल्टा सही इस तरीके से कटिंग करना होता है। हेलो दोस्तों, ये एक ही फरमे में 17 डिज़ाइन बनती है, एक से भी ज़्यादा। जितनी भी 45 वाली कटिंग आती है, साली जो बॉर्डर पट्टियाँ बनती है, वो सब इसी में ही बनती है। अगर आपको कोई फूल बनाना है इस तरीके से, तो भी इसी में बनती है। सिर्फ आपको एक माप की पट्टियाँ लेनी होती है। ये मैं आपको सिखाने के लिए वेस्ट में से बना रहा हूँ। फ़िलहाल मेरे को कोई फूल की ज़रूरत है नहीं। अभी ये सारी डिज़ाइन ये बनती नहीं है, कोई बनवाता भी नहीं है। पहले मार्बल में चलती थी, अब हमारा मार्बल का काम ही नहीं चलता है, तो हमने डिज़ाइन बनाना भी छोड़ दिया। तो ये थोड़ा रफली सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के नए ज़माने में ये शायद ही किसी को आता हो। तो ये जो फरमा मैंने बनाया, इसी फरमे पे वो कटिंग होती है। तो जो पहले वाली ये कटिंग की है मैंने, इसको ऊपर ग्लोसी रख के किया है। दूसरे वाली जो ये मैं कर रहा हूँ, उसको ग्लोसी नीचे रख के करना है। यानी एक इस तरफ से करना है, दूसरा इस तरफ से करना है, दो अलग होगी, तो बाद में ये अपने आप फूल बन जाता है। सिर्फ आपको ये मेजरमेंट जो रखना है, वो बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आपको सिखाने के लिए ही बनाया है। तो जो भी मेजरमेंट हो गया, वो मैंने कर दिया है, कोई फिक्स माप नहीं रखा है। वरना आप फिक्स कर सकते हो लंबाई चौड़ा के हिसाब से, लुक वाइज बढ़िया दिखता है अगर छोटा होता तो। लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए कर दिया है। तो इस तरीके से ये फूल बन जाता है। बाद में जो ये 45 डिग्री वाला कटिंग होता है, तो इसको यहाँ से ऐसे राइट एंगल रख के अब कटिंग कर देंगे, तो ये 45 का भी आधा 22.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये 22.5 डिग्री में भी बहुत डिज़ाइन होती है। यानी इसके भी दो पीस यहाँ से कर दो, तो ये 22.5 डिग्री होता है। तो आपने बहुत सारी बॉर्डर देखी होगी जिसमें त्रिकोण पीस आता है, तो वो 22.5 डिग्री होता है, 45 डिग्री नहीं होता है। तो 22.5 वाले दो मिला के आप करोगे, तो बीच में एक चौरस डिग्री आती है, वो डिज़ाइन इसी में बनती है। मैं आपको ड्रॉ करके सिखा दूंगा। तो उसके लिए भी यही फर्मा लगता है, पहले 45 काटना होता है, फिर 22.5 डिग्री काटना होता है। तो ये इसी फर्मे में बहुत सारी, आपको सिर्फ पत्थर को मोड़ बदलना होता है कि इधर काटा फिर इधर, ग्लोसी ऊपर ग्लोसी नीचे। तो इसमें सारी डिज़ाइन ये बनती है और कुछ नहीं है, ये एक ही फर्मा है। सारी डिज़ाइन कटिंग इसी एक फर्मे पर ही होती है। या बीच वाली जो पट्टी चिपकाई है वो एक मेजरमेंट की है, तो फर्मे के दूसरे हिस्से से दूसरा हिस्सा कटिंग कर सकते हो। यानी फर्मा दोनों साइड चलता है, इस साइड से भी चलेगा, उस साइड से भी चलेगा। लेकिन मार्बल और जो पट्टी है, दोनों एक मेजरमेंट के होने चाहिए, 1 mm का भी फर्क नहीं होना चाहिए। और आप दो साइड से भी बदल सकते हो, एक इस साइड से पट्टा डाल के आप कटिंग करो, दूसरा दूसरी साइड से कटिंग करो, तो भी आपको ग्लोसी और मैट बदलना नहीं पड़ेगा। अगर आप उल्टा सुलटा कटिंग करना नहीं चाहते हो, क्योंकि उल्टा सुलटा जब कटिंग करोगे तो आपका मशीन जो है वो एकदम राइट एंगल कटना चाहिए। अगर नीचे से फांस काटता है थोड़ा भी, तो उल्टे सुलटे में क्या हो जाएंगे, ऊपर के साइड में जॉइंट आ जाएंगे। तो आपका मशीन अगर फांस काटता है, तो आपको ग्लोसी और मैट उल्टा सुलटा नहीं करना है, फर्मे के दो साइड से कटिंग करना है। वीडियो काले पब्लिश करियो। भैया
कोई फेर नहीं। बराबर ख्याल आ ये आप देख सकते हो, मेजरमेंट कर लेने के बाद एक नीचे टाइल चिपका दिया है और यहाँ से राइट एंगल ये ले लिया है। यानी आपको हर बार मेजरमेंट नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ टच करके आप कटिंग कर दो, एक ही माप से सब कटिंग हो जाएगा। तो एक माप से कटिंग करने के लिए आपको ऐसे एक राइट एंगल, यहाँ से जो ये है राइट एंगल है ये कोना, तो ये राइट एंगल करके चिपका देना है। और कोई भी चीज़ चिपकानी है तो चुटकी में चिपकाने वाली ट्यूब और ऊपर कोरा सीमेंट फूंक दो, तुरंत चिपक जाती है और निकलती भी नहीं है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो देना चाहूँगा। आप जो चुटकी में चिपकाने वाली ट्यूब है उसका बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करो। वो आँख में चिपक जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गलती से अगर आपकी आँख में एक बूंद गिर जाती है, कभी हो सकता है, तो हो सके तो गॉगल्स पहन के काम किया करो या अपना मुंह दूर रख के काम किया करो। और ये ट्यूब जब भी साइड पे काम करते हो तो बड़े संभाल के रखा करो, या अपने घर पे भी, क्योंकि अभी इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है और इसको रखना बहुत खतरा है, खतरे से खाली नहीं है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और गलती से ये ट्यूब ले लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते हो, बहुत भारी नुकसान आ सकता है। और आप जहाँ पर काम करते होगे वहाँ पर भी हो सकता है छोटे बच्चे हैं, तो इन ट्यूबों को बड़े अच्छे से संभाल के अच्छी जगह पर रखना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी दोस्तों, क्योंकि मैंने इस साइड पे ऐसे बहुत सारे अकस्मात देखे हैं, बहुत सारी गलतियां देखी है। और मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलता रहता हूँ, एक तो ये साइड पे ये लोग लेवल लगाने के लिए सलिया घोसते रहते हैं, ज़मीन के अंदर लोहे का सलिया डालते रहते हैं लेवल के लिए, यह भी बहुत गलत है। अगर किसी को चलते हुए पाँव में कुछ लग गया और वो गिर गया तो वो सलिए पे गिरेगा तो वो सलिया शरीर के आर पार निकल जाता है। मैंने बहुत बार बहुत लोगों को समझाया, ये अकस्मात के खिलाफ तो मैं बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन प्लीज़ दोस्तों हो सके तो केयर करो और दूसरों को भी समझाओ। सॉरी आपका ज़्यादा टाइम लेने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब मत करना, लेकिन ये बातें ज़रूर याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।